हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मिर्जापुर सीरीज को लेकर। फ्रेंड, काफ़ी रूमर्स हैं जो आजकल मार्केट में फैले हुए हैं मिर्जापुर 4 को लेकर कि क्या मिर्जापुर 4 आएगा या नहीं, और अगर आएगा भी तो उसकी स्टार कास्ट में कौन कौन होगा और उसकी रिलीज डेट क्या होगी। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज स्टूडियो में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फ्रेंड, आपको भी एक दफ़ा न्यूट्रल होकर ये बात माननी पड़ेगी कि मिर्जापुर का जो सीजन 1 था वो सीजन 2 से बेटर था, और जो सीजन 2 था वो सीजन 3 से बेटर था। यही कारण है कि जो सीजन 4 को लेकर इस टाइम रूमर्स फैले हुए मार्केट में वो काफ़ी गर्म हुए हैं कि मेकर्स थोड़े निराश हो गए हैं, मिर्जापुर 3 को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शायद मिर्जापुर सीजन 4 ना बने। तो आपको बताते चले कि ये सिर्फ फेक रूमर्स हैं, मिर्जापुर 4 हर हाल में आएगा, 4 क्या इवन 5 तक ही जाएंगे। फ्रेंड, मिर्जापुर 3 में जो थोड़ी सी बैकलैश आई है वो ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो आइकॉनिक कैरेक्टर था मुन्ना त्रिपाठी का, उसकी कमी आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द वेरी एंड आपको वो कमी ज़रूर महसूस होती है, क्योंकि इतना एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका था मुन्ना त्रिपाठी, इतना एक इंटरटेनिंग चीज़ वो बन चुका था कि पहले 2 सीजन में सारा जो मज़ा है वो मुन्ना त्रिपाठी से था। अब मुन्ना त्रिपाठी को हो सकता है आपको मिर्जापुर 4 में एक बार फिर देखने को मिल जाए, क्योंकि आप सबको याद होगा मिर्जापुर 3 के स्टार्टिंग में जो मुन्ना त्रिपाठी को जलाया जाता है वो बॉडी डबल भी दिखाया जा सकता है, और ये भी दिखाया जा सकता है कि कोई एक चाल हो उनकी, जो वाइफ है मधुरी, ये उनकी चाल हो सकती है कि उन्होंने मुन्ना त्रिपाठी को कहीं सेफ जोन में छुपाया हो और आप एकदम से मुन्ना त्रिपाठी को सीजन 4 में देखें। फ्रेंड, मिर्जापुर का जो सीजन 3 था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से बिल्कुल ही अलग था। सीजन 1 और सीजन 2 में आपको एक बड़ा सेक्शन देखने को मिल रहा था, आपको डायलॉग बाजी देखने को मिली थी, लेकिन सीजन 3 में आपको एक्शन तो देखने को मिले ही मिला है, वॉयलेंस भी देखने को मिला है, लेकिन चालें जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा आपको सीजन 3 में देखने को मिला है। तो काफ़ी एक इंटरटेनिंग सीजन था सीजन 3, ऑल दो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से थोड़ा सा कम था। फ्रेंड, बात करें मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और इसको आप कब रिलीज होते देख सकेंगे अमेजोन प्राइम के प्लेटफॉर्म से। ये बताया जा रहा है कि मिर्जापुर 4 के कुछ जो सीन्स हैं वो मिर्जापुर सीजन 3 के साथ ही शूट कर लिए गए थे, यानी आप कह सकते हैं कि 5-10% जो सीन्स हैं वो ऑलरेडी शूट कर लिए गए हैं, बाकी जो शूटिंग है फुल फ्लैच वो आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मिर्जापुर 4 आपको 2026 में इसी समय में जून, जुलाई या अगस्त के किसी मंथ में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड, शायद आपको ये बात थोड़ी सी बुरी भी लगे, पर आप सबको मानना पड़ेगा कि जो मिर्जापुर की स्टार कास्ट है वो आपको मिर्जापुर के अलावा बाकी और वेब सीरीज में या बाकी और मूवीज में थोड़ी कम दिखाई देती है। यही कारण है कि इन जो लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं इनका डेट का इश्यूज कभी नहीं आता, सिर्फ आपको पंकज त्रिपाठी साहब डिफरेंट मूवीज में दिखाई देते हैं और थोड़ा सा अली फजल साहब, बाकी आपको मोस्टली मोस्ट ऑफ द ईयर आपको फ्री दिखाई देते हैं। फ्रेंड, मुझे पर्सनली तौर पे जो मिर्जापुर 3 के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो कसर मिर्जापुर 3 में रह गई थी वो सारी कसर, वो सारी इंटरटेनमेंट वो हमें डबल डोज में मिर्जापुर 4 और फिर मिर्जापुर 5 में दें। और जो फैंस ने अपना गुस्सा दिखाया है, मिसिंग मुन्ना त्रिपाठी का हैशटैग चलाया है, उसके बाद एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि या तो आपको मुन्ना त्रिपाठी सीजन 4 में दिखाई देंगे, या जैसे मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि मुन्ना त्रिपाठी का पूरा एक स्पिन ऑफ सीजन बनाया जाएगा, मुन्ना त्रिपाठी अब आपको मिर्जापुर के हर मटेरियल में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, कितना एक्साइटेड आप मिर्जापुर 4 और 5 को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।